सड़क किनारे बह रहे गंदे पानी से नहाया युवक बोला, कुछ हुआ तो नगर पालिका होगा जिम्मेदार। सीएमओ बोले, कार्रवाई करेंगे, टैंकर संभालेंगे शहर की पेयजल व्यवस्था। शहर के संजय कॉलोनी के रहवासियों ने आज फिजिकल थाना क्षेत्र के परशुराम चौराहे पर चक्का जाम कर दिया है। लोगों की मांग है कि उन्हें पिछले 15 दिनों से मणिखेड़ा का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, ऐसे में वह काफी परेशान है। शिवपुरी शहर के संजय कॉलोनी के रहवासियों ने आज फिजिकल थाना क्षेत्र अंतर्गत परशुराम चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। महिलाएं भी सड़कों पर उतर गई है। इसके बाद महिलाओं ने अनूठे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने सड़कों पर मटके फोड़ कर प्रदर्शन किया। लोगों ने सड़क किनारे बह रहे गंदे पानी को कट्टी से भरकर उसी से नहाया और कहा कि अगर कुछ होता है तो नगर पालिका इसका पूर्ण जिम्मेदार होगा। रहवासियों ने शिकायत करते हुए बताया कि कर्मचारी सही तरीके से बात नहीं करते हैं, साथ ही अपनी मनमानी करते हैं। इस पर सीएम ने कहा कि मैं उन पे आज कार्रवाई करूंगा और संजय कॉलोनी की सड़कों और गंदगी को लेकर सीएमओ ने निरीक्षण भी किया था। उस पर कहा कि नालियों को साफ करवा दिया है और सड़कों का वर्क ऑर्डर हो चुका है, अगर ठेकेदार काम नहीं करता है तो उसके प्रति राजसात की कार्रवाई की जाएगी। पानी की सप्लाई को लेकर कहा कि जल्द ही इसका समस्या का निराकरण किया जाएगा। प्राइवेट टैंकरों की मनमानी के लिए सीएमओ ने कहा कि प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया जाएगा और रेट निर्धारित की जाएगी। सबसे मेरी वाइफ पार्षद है 24 जिला और नेता प्रतिपक्ष है। आज ये जनता सैकड़ों जनता इकट्ठी हुई है पानी को लेकर, क्या कहना है? क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, जनता व्यस्त हो चुकी है। 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए और ना कोई इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है नगर पालिका में, प्रशासन में, नगर पालिका। इन लोगों का कहना है 1 महीने से पानी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही बात है, 1 महीने चाय का मरी गड़ा फूट रही है। पार्षद है, हम लोगों को 5 से 2 टैंकर दिए जाते हैं, मतलब 1 टैंकर में 12 ड्रम, मतलब 2 टैंकर मतलब 24 ड्रम, 24 ड्रम हम किस चीज को पानी पिलाएंगे? नगर पालिका का कोई रूप रेखा नहीं है, 15 दिन हो गए हैं, कोई प्लानिंग नहीं है ना कुछ, जनता को लेकर कोई प्लानिंग है। संजय कॉलोनी है, बेचारे कहाँ से टैंकर मंगवाएंगे? कहाँ से लाते हैं पानी भर के? ये लोग प्राइवेट टैंकर लेना पड़ता है, कितने पैसों से ले रहे हो आप? कितने का लाते हैं? 350 रुपए के टैंकर कैसे लेंगे? कारण नगर पालिका करने चलते हैं आप? नगर पालिका में करने चलते हैं? सीएमओ साहब को, अध्यक्ष साहब को और विधायक साहब को कई बार बताया गया है कि साहब इस चीज को माने देखा जाए, रूपरेखा बनाई जाए कि बाबा जो मणि की टूट रही है उसको लेकर कुछ कुछ प्लानिंग की जाए, कुछ प्लानिंग नहीं होती है, सारी जनता से परेशान हो रही है पानी को लेकर। अब जो जनता का ये बिल्कुल चक्का जाम कर दिया है, वो सही है, मैं इनके साथ हूँ चक्का जाम में। अच्छा जी, चक्का जाम हटेगा कि नहीं हटेगा? नहीं, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, समस्याओं का हल नहीं होगा तब तक जाम। आपके समर्थन में कोई नेता या विधायक वगैरह आया? सब सो रहे हैं कुंभकर्ण की नींद, चाहे अध्यक्ष महोदय हो, चाहे सीएमओ हो, चाहे विधायक हो, सब कितनी देर से चल रहा है? कितनी देर से चल रहा है चक्कर? 1 घंटे से चल रहा है। यहाँ से फिर मैं मणिखेड़ा से तत्काल यहाँ वापस आया हूँ। देखने में ये आया है कि यहाँ के सभी लोग, कुछ हमारे कर्मचारी है पंप टेंडर, उनके कार्य व्यवहार से बहुत नाराज है और जिस तरीके की शिकायत मिली है और गंभीर शिकायत है उन सभी पे मैं आज कार्रवाई कर रहा हूँ कि ऐसे जो पंप टेंडर अगर इस तरीके से जनता के साथ सही व्यवहार नहीं करेंगे और अपना काम समय पर नहीं करेंगे, ऐसी लापरवाही करेंगे, अगर ऐसी शिष्टाचारिता चलेगी तो उन पर मैं गंभीर कार्रवाई आगे भी करूँगा और कठोर करूँगा। आज मैं उन लोगों को निलंबन का नोटिस दे रहा हूँ और संपर्क का निलंबन भी कर दूंगा। उल्टी जो सर और नहीं, यहाँ पर 4-5 वार्डों का हमें समस्या समझ में आई है और कि ये है कि कहीं पानी में दूर से सप्लाई हो रही है, तो हम कोशिश पूरी आज से ये करेंगे। और वैसे मैंने बनाना शुरू कर दिया, टैंकरों का सिस्टम भी बनाना शुरू कर दिया, ऐसे जो एरिया जहाँ पर गरीब बस्ती है ना, कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, उनके लिए नगर पालिका फ्री टैंकर अलॉट करता है, उन्हीं के लिए नियम भी है, हम उन्हीं के लिए पूरा नियम और चार्ट बना रहे हैं, संबंधित वार्ड पार्षद को भी हम सूचना कर देंगे जिससे वहाँ पर समान मात्रा में हम टैंकर भेजें। सर पहला ये, दूसरा यहाँ से भी हम यही व्यवस्था करने वाले हैं, जो यहाँ पर गलती कर रहे हैं उनको हटा देना, नए लोगों को लगा के समान रूप से पानी पहुँचे लोग, अगर नहीं मिल रहा है तो सभी को नहीं मिलेगा, किसी के साथ पार्शियलिटी ना, ये हम पूरा प्रयास। सर अगर चांदपाड़े का पानी इस क्षेत्र को मिलता है जो पहले मिलता था तो उससे समस्या दूर हो सकती थी, पर नहीं किया गया नगर पालिका के? मुझे मेरा काम है, मेरे पास जो उपलब्ध संसाधन है उनका समुचित उपयोग करना, अगर कोई और संसाधन हमें प्राप्त हो सकता है तो उसके लिए हम अपने स्तर पर हमसे वरिष्ठ कार्यालय से बात कर सकते हैं। सर जैसे अभी आपने बताया कि टैंकरों की व्यवस्था की जा रही है, किस तरह का प्लान अभी तक नगर पालिका ने बनाया है? देखिए मैं सूची बना रहा हूँ, बना ली है हमने, ऐसे
जो अपने क्षेत्र हैं जहाँ कमजोर वर्ग, गरीब वर्ग, ऐसे लोग जो कि प्राइवेट टैंकर नहीं बुला सकते, ऐसे लोगों को हमें टैंकर पहुंचाना प्राथमिकता में जरूरी है। इसलिए मैं उनके लिए इक्वल नंबर्स में, यानी कि समान संख्या में सभी को बराबर बराबर टैंकर मिल जाए, है ना, वो हम व्यवस्था सही टैंकर्स की उपलब्धता के लिए क्या करेगी नगर पालिका। देखिए, एक तो ये कि हमारे पास अभी टैंकर कम संख्या में है ना, तो हम अपने सभी हमारे जो वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं, हमारे मानचित्र प्रतिनिधि हैं, सभी लोगों से हम बात करके एक तो उनके माध्यम से अगर टैंकर मिल सकते हैं तो हम वो प्राप्त करेंगे, अगर कुछ परचेज भी करने पड़ेंगे तो हम वो भी नियमानुसार परचेज करेंगे। सर, प्राइवेट टैंकरों की रेट निर्धारित नहीं की गई जिसके चलते प्राइवेट टैंकर वाले मनमानी कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है? इस संबंध में अगर कोई बात है और ऐसी अभी तक तो मुझे कोई शिकायत नहीं आपके माध्यम से प्राप्त हुई है तो हम प्रशासन से बात करके रुपए का टैंकर डाल रहे हैं, ठीक है, उसमें हम प्रशासन से बात करें। आपके द्वारा परसों संजय कॉलोनी का निरीक्षण भी किया गया, उसमें रोड वगैरह गंदगी आपके द्वारा देखी गई, उसमें क्या कुछ कार्रवाई की रहेगी? जो मैंने देखा वहाँ पे हमने सफाई के लिए हमने नाली वगैरह सफाई कराई है, क्योंकि नगर पालिका में अभी लाइट वगैरह उपलब्ध नहीं थी तो हमने ऑर्डर दे दिया है, लाइट मिलते ही हम यहाँ पर लाइट की व्यवस्था भी करेंगे। कुछ रोड वगैरह हैं जिनके वर्क ऑर्डर हुए हैं लेकिन काम ठेकेदार नहीं कर रहे हैं, निर्देशित कर दिया गया है काम नहीं करेंगे तो उनके रास्ता कर दिया जाएगा, टेंडर समाप्त कर दिया। ठीक।